देश की आर्थिक प्रगति देश की जनसंख्या पर निर्भर करती है और अगर जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़े तो उसका खामियाजा पूरी मानव जाति को ही भुगतना पड़ता है। अब हम बात करें हमारे देश की तो हम जनसंख्या के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं। वहीं चीन हमसे पहले, लेकिन हम शायद चीन को 2025 तक इस रेस में पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस उपलब्धि में कोई गर्व वाली बात नहीं है। खैर, अब तो ये जिम्मेदारी पूरे देशवासियों की है। वहीं देशवासियों को जागरूक और भविष्य के परिणाम बताने के लिए पीएम मोदी ने भी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जनसंख्या नियंत्रण पर चिंता जताई। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहाँ बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। वहीं पीएम मोदी की देश से इस अपील का न केवल देशवासियों ने बल्कि तमाम मुस्लिम उलेमाओं ने भी इसका स्वागत किया। इस पर उलेमाओं का कहना है कि फैमिली प्लानिंग जरूरी है, जनसंख्या बढ़ने के सामाजिक आर्थिक कारण है, इसका धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस्लाम धर्म शास्त्र के कई विद्वानों का कहना है कि कुरान में फैमिली प्लानिंग का कहीं भी विरोध नहीं किया गया। ऐसा कहने वाले या तो नासमझ हैं या उनका मकसद कुछ और है। स्पेशल डेस्क के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, नवतेज टीवी के लिए। शिवपुरी जिले के मोहनगढ़ जनपद पंचायत से सरपंच श्रीमती छिंदर कौर और सचिव मोहन कुमार गुप्ता की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के दीवाने को मेरे तरफ से चंदन बंदन है और भारत वर्ष के मटियाने विधानसभा बेगूसराय बिहार सहित लोकतंत्र के प्रहरी को बहुत बहुत बधाई। शुभ संदेश है जो नए उमंग के साथ ऊर्जा के साथ इस राष्ट्र को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने के लिए सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। सभी भारतवासियों को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।